नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम संसदीय विवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं सूखा संकट की। राज्यसभा के 232वें सत्र में सूखा संकट पर बहुत ही गंभीर बहस हुई, जिसमें 15 दलों के 27 सांसदों ने भाग लिया। सांसदों ने न केवल सरकार की बहुत सारे मुद्दों पर आलोचना की, बल्कि समाधान भी प्रस्तुत किया। आइए आपको दिखाते हैं यह वाद विवाद। उत्तर भारत में, नॉर्थ वेस्ट में और पूरे मध्य भारत में सूखा की वजह से स्थिति बहुत विषम हो चली है, खास तौर से उन इलाकों में जहां धान ज़्यादा पैदा होता है, वहाँ उसकी नर्सरी भी तैयार करने की स्थिति में किसान नहीं है। और जब जब सूखा पड़ता है तो उसका न केवल मौजूदा फसल पर असर पड़ता है, बल्कि उसके बाद वाली जो फसल होती है उस पर उससे भी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। लेकिन फिर भी हम कुछ न कुछ ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म की तात्कालिक लाभ मिल सके, लोगों को राहत मिल सके, किसानों को, और लॉन्ग टर्म ये जिससे अगर सूखा की स्थिति हो तो उस स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास कुछ साधन हो, पानी। अभी मौसम विभाग ने कहा है कि लगभग औसत से 45% कम पानी बरसा है, लेकिन उत्तर पश्चिम में और मध्य भारत में ये 55% और 61% तक है कमी। इसका परिणाम ये होगा कि न केवल यहाँ के रहने वाले लोगों को और ख़ास तौर से जो गरीब लोग हैं उनको, बल्कि जो जानवर हैं उनको तक पानी पीने की का संकट सामने आ रहा है। एक तो इसका एडवर्स असर ये होता है कि जल स्तर इतना तेजी से नीचे गिरता है कि जो ट्यूबवेल्स होते हैं वो भी फेल हो जाते हैं। पानी पीने के लिए जो हैंडपंप लगे होते हैं वो पानी देना बंद कर देते हैं, और इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो उपाय गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो जल संचयन क्या करना चाहिए कि अगर आपदा आए कोई तो हम उसका प्रयोग कर सकें, और किस तरह से पानी को रोककर जमीन को रिचार्ज कर सकें। बजट में मुझे याद है चिदंबरम साहब ने एक बार प्रोविजन किया था कि हम पैसा दे रहे हैं जिससे तालाब खोदे जाएं और पानी का संचयन किया जाए, जिससे जब कभी सूखा हो तो उसका उपयोग हो सके फसल के लिए, पानी पीने के लिए, और पांच और रिचार्ज भी किया जा सके जमीन को, वाटर टेबल नीचे न जाए, ट्यूबवेल्स और हैंडपम्प्स वगैरह जो खराब हो जाते हैं वो न हो। लेकिन उस पर अमल हुआ नहीं। और माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि उसकी मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जल स्तर जब इस देश का नीचे जाने लगा तो ये फैसला दिया कि सन 50 के बाद जो जहां तालाब थे उनका अगर पट्टा कर दिया गया है तो उन सारे पट्टों को निरस्त किया जाता है। मुझे मालूम है कई जगह बड़े बड़े शहरों में जहां बड़े बड़े तालाब थे उन पर 20-20, 30-30 मंजिल की बिल्डिंगें बनी, बिल्डर्स ने खरीद लिए, अपने नाम करवा लिए, गांव में सब पट्टा हो गए, और जो तालाब हैं अब भी कुछ बचे हुए उनमें से नाले खोद के पानी डाल दिया गया, उसमें नदी में डाल दिया गया, बारिश का पानी कहीं रोकने की व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री जी, जब तक जल संचयन को की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक चेक डैम नहीं बनेंगे या जो बड़े बड़े तालाब हैं उनमें पानी रोका नहीं जाएगा, उनका नालों के जरिए पानी नदी में डाल दिया जाएगा, नदी से समुद्र में चला जाएगा, तो ये स्थिति पैदा होगी कि जब सूखा होगा तो आपके पास एक बूंद पानी नहीं होगा जो खेती के लिए दे सकें या जानवरों के पीने के लिए दे सकें। हम देखते हैं हमारे यहाँ बुंदेलखंड में ये स्थिति पैदा हो जाती है।
10-10 किलोमीटर दूर से पानी पीने के लिए लेने जाना पड़ता है लोगों। दूसरे, वनों का कटना रुकना चाहिए, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण होना चाहिए, तालाबों जलाशयों का को फिर से रिस्टोर किया जाना चाहिए, पानी को रोकने के लिए चेक डैम की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा कि बाढ़ से तो मौजूदा फसल का नुकसान होता है, अगली फसल बेहतर हो जाती है, लेकिन सूखे से दोनों फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इससे निराकरण कैसे हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जल संचयन कैसे किया जाए, किस तरह से पानी को रोका जाए। क्या आपने देखा होगा कि राजेंद्र सिंह ने राजस्थान में पानी रोक कर एक वो बनाकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी, उस इलाके में जहाँ पानी नहीं होता था वहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती और फसल होने लगी। और सूखा से जो फसल नुकसान हो रहा है, उसके लिए एक मेरा सुझाव है आदरणीय चेयर के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि किसानों का कर्ज माफ न करें तो उसका ब्याज माफ कर दें। जो कर्ज है उसके ब्याज को अगर माफ कर देंगे तब भी उनको कुछ राहत होगी। धन्यवाद। धन्यवाद श्री जयराम रमेश। थैंक यू मिस्टर डिप्टी चेयरमैन सर। द लॉन्ग पीरियड एवरेज फॉर द इंडियन मॉनसून बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर इज अबाउट 89 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। सो देर इज a 42% deficiency as compared to the normal as of the 7th of July 2014. Now, if you look at the last 50 years, the bulk of the monsoon rainfall occurs between the 20th of July and the 30th of August. So we are entering a danger zone. So in 2012, we had a similar situation. In 2012, the government of India, the UPA government, set up an empowered group of ministers on drought management, which are relevant for managing this year's drought also. So the first and most important is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. It guarantees 100 days of employment. But what was decided in 2012 and continued thereafter is that in all the drought notified taluks and blocks, the guaranteed employment will not be 100 days, but 150 days. And the additional expenditure over and above the 100 days was borne by the central government. I think this is the one policy, one program, one instrument that the central government has in order to manage the drought more effectively. In a drought year, fodder shortage becomes very critical. And this is particularly true of states like Rajasthan. So what was done in 2012 was that the development of gochar lands, development of pasture lands, was taken up as a priority under Mahatma Gandhi NREGA. An advisory was issued to all the state governments. Some state governments actually started this work, and I want to mention Karnataka, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, couple of examples. So my third suggestion relates to drinking water. Since drinking water is going to be a crucial element of managing drought, the center must give the assistance in one go. And therefore, all norms were relaxed by the empowered group of ministers, and assistance was given to the state government under the National Rural Drinking Water Program. I request the Honorable Agriculture Minister to follow a similar approach and ensure that the allocations meant for the states, particularly the drought-affected states, does not go in installments, but goes immediately so that the works can be executed and drinking water can be provided to the affected communities. So my fourth suggestion is taking up from what Ram Gopal Yadav ji mentioned about revival of water conservation structures, check dams, dug wells, percolation tanks, water harvesting structures. These are all traditional water conservation bodies. And this is one of the priority items under Mahatma Gandhi NREGA. Today, the priority should be immediately that whatever can be done to ensure the check dams, stop dams, percolation tanks, dug wells
should be taken up in a very large way for managing the drought. In Jharkhand, in the last 2 years, under the Mahatma Gandhi NREGA program, almost 90,000 dug wells have been constructed. And each of the dug wells irrigates a command area of about 1.5 to 2 hectares, and a one crop farmer, in many instances, has become a two crop farmer. So one final comment I want to make. The Indian monsoon is changing. We must recognize that Indian monsoon today is not the Indian monsoon of 10 years ago or 20 years ago. The overall rainfall has not changed. It still remains 89 centimeters. But the pattern of distribution of rainfall in response to climate change has changed. So climate change is changing the pattern of the Indian monsoon. Dry days are increasing. Days in which you get heavy rainfall is increasing. Extreme events are increasing. We must recognize the reality of climate change, and agriculture and agricultural planning and agricultural crop planning must reflect the impacts of climate change. Shorter duration varieties, better agromet services to farmers through modern techniques like SMS. These are all the techniques that we have to adopt. And I think in the long run, we must recognize that the Indian monsoon, like many things in India, has not remained the same. We must be in a better position to predict the Indian monsoon. We must be in a better position to respond to the uncertainties of the Indian monsoon. I think if these factors are kept in mind, sir, we will be able to manage the drought. Thank you, sir. Thank you, Mr. Jairam Ramesh. Now, Sri Bhupendra Yadav. Sammanya Sabhapati Mahoday, Desh mein मानसून के बदलाव के कारण बड़े पैमाने पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उसको देखते हुए सरकार ने विभिन्न राज्यों के साथ संवाद की शुरुआत करके कंटिजेंसी प्लान पर कार्य शुरू किया है। और जैसा कि अभी माननीय रामगोपाल जी ने भी कहा कि जिस प्रकार का मानसूनी व्यवहार अनिश्चितताओं से भरा हुआ हमारे देश के अंदर रहता है, उससे निपटने के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों ही प्रकार के विषयों पे सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत पशुओं के लिए चारा परिवहन हेतु, गौशालाओं हेतु, पशु शिविर के संचालन हेतु और पेयजल परिवहन के हेतु, ये ऐसी मूल समस्याएं हैं जिससे पूरे ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरीके से प्रभावित होता है। इन विषयों पर त्वरित कार्यवाही के लिए, और अगर थोड़ी देरी भी होती है तो इन चीज़ों में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आए, ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी सहज उपलब्धता बनी रहे। राजस्थान जैसे क्षेत्र में गंभीर सूखा नहीं होता है, इसलिए वो केवल 90 दिन तक ही प्लान रहता है। वास्तव में पशु आधारित ये जो पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, वहाँ पर इसमें रिलैक्सेशन देकर जल परिवहन और पशु चारे के लिए इसको 90 दिन की अवधि से बढ़ाया जाना चाहिए। कम से कम उन प्रदेशों में जहां पर व्यक्ति के रोजगार के साथ साथ पशु का रहना बहुत आवश्यक है, वहां पर इसका एक हम काफी लाभ देकर के आने वाले समय की समस्याओं को हम दूर कर सकेंगे। मनरेगा के ऊपर प्रश्न उठाया गया था, इस संसद की जो स्थायी समिति की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि मनरेगा काफी सारे भ्रष्टाचारों के साथ मनरेगा का कार्य चल रहा है। इसलिए मनरेगा के कार्य में केवल मिट्टी को इधर से उधर कर देना और केवल मिट्टी के आधार पर जॉब कार्ड बना देना, इससे हम देश में त्वरित रूप से तो कुछ लोगों को लाभ दे सकते हैं, लेकिन स्थायी रूप से इस देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा नहीं कर सकते। माने रामगोपाल जी अभी बहुत सही कह रहे थे कि जो तालाब हैं, जो पोखर हैं, वहां पर बड़े बड़े बिल्डर्स ने अभी से ही कई प्रकार की बिल्डिंगें बना दी। गुड़गांव के जितने भी सेक्टर बसे हुए हैं, उस सब में कभी तालाब हुआ करते थे। इस देश में ऐसा कानून पास होना चाहिए कि जो जल के स्वतः बहने के क्षेत्र हैं, वह इस प्रकार की स्थायी परिसंपत्तियों को निर्मित नहीं किया जाना चाहिए। और अगर इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे तो अपने तालाब, पोखर और अपने देश की जल क्षमता को हम बचा करके रख सकेंगे। इस देश में सूखे से निपटने के लिए सरकार के द्वारा नदियों को जोड़ने का जो संकल्प किया जा रहा है, नदियों को जोड़ने से मानसून पे तो नियंत्रण नहीं किया जा सकता,
लेकिन नदियों को जोड़ने से अगर इस प्रकार के संकट हमारे देश के अंतर्गत आते हैं तो भविष्य के लिए सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए कम से कम जल की उपलब्धता जरूर बनी रहेगी। बुंदेलखंड बांदा में, चित्रकूट में और राजस्थान, जहां पर स्थायी रूप से वर्ष भर जल परिवहन करने के प्रावधानों को SDRF के अंदर समाहित किया जाना चाहिए, जिससे कि वहां पर जो पानी के पीने की जो पानी की समस्या है उसका स्थायी रूप से समाधान हो सके। ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड बनाने की जो पहल करी है सरकार ने, ये एक बहुत बड़ी पहल करी है, लेकिन इस पहल को स्थायी विषयों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए और स्थायी रूप से समस्याओं का समाधान किया जाए। और माननीय मंत्री जी इसका पूरा आश्वासन देंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। धन्यवाद। थैंक यू। इस चर्चा में शामिल कई सांसदों ने अपने अपने राज्यों के जमीनी हालात से सरकार को अवगत कराया, साथ ही साथ मांग की कि किसानों के लिए बेहतर राहत के इंतजाम किया जाए। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आपको इसके बाद दिखाएंगे यह वाद विवाद। ऐसा भी सूखा इस देश में पड़ा है कि भूख से रिस रिस के मरना है, बगैर भूख के मरना है, या जो गोदाम है उनको लूट के खा के मरना है। जब बंगाल के किसानों ने तय किया तो उन्होंने सारे देश के जो उस जमाने के गोदाम थे उनको लूट करके जान देना स्वीकार किया, लेकिन भूख से मरना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ऐसे हालात ना आए तो मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसमें कुछ इफेक्टिव कदम उठाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संसदीय वाद विवाद और मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। हम चर्चा कर रहे हैं सूखा संकट की। सांसदों का मानना था कि सूखा संकट से निपटने के लिए सरकार को बहुआयामी उपाय करने की जरूरत है, जहां एक ओर जल प्रबंधन की व्यवस्था करने की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर बेहतर जल संस्कृति को अपनाने की भी जरूरत है ताकि ये संकट आसानी से निपटा जा सके। देश पातक सूखा से प्रभावित होने वाला वर्ग इस देश में लगभग 75% है। इस देश का जो कमेरा समाज है, जो अपने खून पसीने की कमाई पूरे देश को खिलाने का काम करता है, और सर्वाधिक प्रभावित वही होता है। खेती में जब बरसात नहीं होगी, सूखे की स्थिति होगी, तो हमें डीजल पंप का सहारा लेना पड़ेगा या बिजली के ट्यूबवेल का सहारा लेना पड़ेगा। डीजल का आलम यह हो गया है कि 60 रुपए से अधिक लीटर एक घंटे में डीजल पंप लेता है, 60 रुपए से अधिक उसके दाम हो गया है। और बिजली का आलम यह है, चाहे जो प्रदेश हो, अभी पिछले हफ्ते हम बिजली मंत्री, पूरे देश के बिजली मंत्री परेशान थे कि बिजली नहीं है, खासकर उत्तर भारत के में बिजली की बड़ी समस्या थी। और बिजली की समस्या के लिए मैं आपको चश्मदीद रूप से बताना चाहता हूं, जाड़े के दिन थे, किसान का एक हाथ स्टार्टर पर, उसकी पत्नी पानी के नाली में और बेटा नाली का फावड़ा लेकर नाली की मरम्मत कर रहा है, और जितनी बार पानी स्टार्ट करके नाली तक पहुंचता उतनी बार बिजली जाती है। बहुत ही चिंता का विषय है सर। हमको कोई न कोई ऐसा निर्णय लेना होगा कि प्रभावित वर्ग को हम स्थायी रूप से कुछ समाधान दे पाए। हमारे प्रदेश में बुंदेलखंड और महाराष्ट्र में विदर्भ जैसे क्षेत्र हैं जहां पर आज भी किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। पिछली सरकार ने बुंदेलखंड को आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा बुंदेलखंड में आता है वहां लगभग 59% धनराशि उसमें से खर्च की गई, और जो मध्य प्रदेश में आता है उसमें लगभग 80% धनराशि खर्च की गई। आज भी हालत वहां पर बहुत अच्छे नहीं है। बुंदेलखंड के लोग अपनी खेती बाड़ी को, घरों को छोड़कर पलायन पर मजबूर हैं। उनके लिए आज भी हम जीविका कोई साधन नहीं दिला सके, पेयजल की उपलब्धि उनको नहीं दे सके। अगर जल संरक्षण के लिए हमें नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए तो हम सूखे जैसी विकराल समस्या से निपट सकते हैं, लेकिन अभी भी ये कार्य योजना केवल फाइलों तक सीमित है। छोटी छोटी नदियां जो विलुप्त होती जा रही, कई नदियां हमारे उत्तर प्रदेश में जिनमें एक बूंद पानी नहीं पुल बने हुए हैं, नदी गायब हो गई है। छोटी छोटी नदियों में अब जल नहीं जा रहा सर बरसात का, उनको हमें संरक्षित करना होगा। झीलें गायब हो रही हैं, तालाब तो पाटे जा रहे हैं सर। जिस ढंग से हमारी आबादी बढ़ रही, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो रही, बड़े बड़े मकान बन रहे, फार्म हाउसेज बन रहे, शहरों के आसपास, गांव के आसपास कोई तालाब अब आपको ढूंढने नहीं मिल रहा। हमें एक ऐसा कानून बनाना होगा कि जो तालाब दर्ज हैं तो उन तालाबों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ हमें नई पहल करनी होगी। हमको जल संरक्षण के लिए
विशेष रूप से कुओं का, झील का, तालाब का, पोखरों का संरक्षण करना होगा। और जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए आर्थिक पैकेज के लिए भी विशेष रूप से इंतजाम करना होगा। जो ऋण लेते हैं किसान भाई, किसानों का सर्वाधिक ऋण उनकी फसल पर आधारित होता है कि फसल आएगी तो बेच करके हम कर्जा अदा कर देंगे। सहकारी बैंक के साथ साथ जो हमारे नेशनलाइज बैंक हैं उनमें भी अगर किसानों ने लोन रखा है अपनी सिंचाई के लिए, खाद के लिए या अपने घरेलू जरूरतों के लिए, उनके बारे में भी हमें ऋण माफी के बारे में सर सोचना होगा। हमको उन्नत बीज उन्हें देना होगा, खाद देना होगा, बिजली देनी होगी, डीजल सस्ता देना होगा। सब्सिडी का डीजल तो किसानों को मिलना चाहिए। और साथ साथ में किसानों के पास में खेती के साथ साथ में पशु होते हैं, बैल, गाय, भैंस, उनके लिए चारे का भी हमें इंतजाम करना होगा सर। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। श्री केसी त्यागी सभापति महोदय, 43% बारिश इस समय कम हुई है, इसका बुआई से बहुत करीब का रिश्ता है। अब बुआई जो है वो भी 35% लेस हो गई है जून के महीने तक, जो हमारी अगली फसल तैयार होने का सिलसिला शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो पोखर, जो जोहड़, जो तालाब जिस स्थिति में थे उनको स्टेटस को एंटी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप इंप्लीमेंट कराइए। तालाब कोई मामूली काम नहीं करते थे, ये हमारी जो ग्रामीण संस्कृति थी, जो भारतीय संस्कृति थी, जो हमारा असली भारत था, वो 4-5 महीने पशुओं के पानी पीने की और रहने की एकमात्र जगह वही थी। सब पर प्रॉपर्टी डीलर्स ने, ग्राम प्रधानों ने या उनके लठैतों ने, पूरे देश के सारे तालाबों पर कब्जे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो मुझे नहीं लगता इसको इंप्लीमेंट करने में कोई ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए। अब तक 60-99% तक बारिश कम हुई है और उसका सबसे ज्यादा असर जो है वीपी सिंह जी आपके राज्य पर है और बुंदेलखंड में है, विदर्भा में है और कर्नाटक के हमारे मित्र दाएं बाएं बैठे होंगे वहां की मैं अभी रिपोर्ट देख रहा हूं, बहुत बुरा हाल कर्नाटका में है। लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई है। अब ड्रॉट के जब जिले घोषित हो जाएंगे तो वहां राहत कार्य शुरू हो जाएगा। धान की बुआई का वक्त निकल रहा है और मौसम विभाग सूखे घोषणा करने को तैयार नहीं। बुंदेलखंड, गुजरात, विदर्भा, महाराष्ट्र, सीमांध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, कुछ हिस्से यूपी के और लगभग देश का सारा ऐसा हिस्सा जहां पे पशुओं के चारे की भी समस्या पैदा हो गई है। जब पशु का चारा ब्लैक में मिलेगा 3 या 4 गुने रेट पे तो दूध की कीमत बढ़े। ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। 68 साल में 45% इस देश की जमीन को इरिगेटेड कर पाए, सिर्फ 45%, और 55% राम भरोसे है, पानी बरसेगा तो वहां खेती बाड़ी होगी वरना नहीं होगी। तो मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से, एक नेशनल इरिगेशन हाईवे भी बनवा दो, आने वाली पीढ़ियां भी आपको याद। मैं सब किसानों के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जो किसान के इलाके में सूखा पड़ा है सारे किसानों के कर्जे माफ किए, सस्ते चारे की व्यवस्था कराइए, डीजल सस्ता मिले, ब्लैकिंग ना हो वहां कराइए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो गरीब लोगों का है, किसान और नॉन एग्रीकल्चरिस्ट आल्सो, उनकी व्यवस्था कराइए, और तालाब वाला जो मैं कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कराइए। मनरेगा का जो बता रहे थे जयराम जी, ये लाइफलाइन है। जल संचय का भी काम होना चाहिए। जो देश के भयंकर सूखे हैं उसका इतिहास बता करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। 1877, 1899, 1918, 1972, 1989, 2002, और साहब ऐसा भी सूखा इस देश में पड़ा है कि भूख से रिस के मरना है, बगैर भूख के मरना है, या जो गोदाम है उनको लूट के खा के मरना है। जब बंगाल के किसानों ने यह तय किया तो उन्होंने सारे देश के जो उस जमाने के गोदाम थे उनको लूट करके जान देना स्वीकार किया, लेकिन भूख से मरना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ऐसे हालात ना आए तो मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसमें कुछ इफेक्टिव कदम उठाएं। आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रमेश। कुल मिलाकर इस चर्चा में शामिल सांसदों का मानना था कि बेहतर जल प्रबंधन के साथ ही साथ परंपरागत तरीकों से सूखे से आसानी से निपटा जा सकता है। सांसदों का यह भी कहना था कि मौजूदा हालात में कई राज्यों की स्थितियां बहुत ही खराब हैं, इसलिए सरकार को तत्कालिक राहत देने की ठोस कोशिशें करनी चाहिए।
इस एपिसोड में फिलहाल यहीं तक। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि सांसदों ने और क्या कुछ कहा और सरकार ने क्या जवाब दिया। जहां तक IMG का रिपोर्ट है, इससे शायद परिस्थिति में बदलाव आ सकता है, इस तरह की उनकी सूचना है। परिस्थिति में थोड़ा बदलाव आएगा तो हम ये बुआई सेकंड टाइम भी कर सकते हैं क्या, इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। इसके लिए शायद सीड की ज़्यादा, बीज की आवश्यकता ज़्यादा होगी। वो इसका स्टॉक हर स्टेट में कहाँ तक है, जहाँ कमी है वहाँ हम दे सकते हैं क्या, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा।